एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं वो आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले सीड टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम थोड़ा सीड के बारे में समझते हैं कि सीड क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका। तो सबसे पहले सीड की क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। तो देखिए, प्रॉपरली जो सीड होते हैं वो चार तरह के सीड को ग्रुप में रखा जाता है, जिसमें पहला होता है न्यूक्लियस सीड, जिसको नाभिकीय सीड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है आपका, जिसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड जो होता है, जिसको प्रजनक बीज के भी नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है आपका फाउंडेशन सीड। और चौथा होता है आपका सर्टिफाइड सीड को जो है वो हम लोग जानते हैं प्रमाणित बीज के नाम से, और फाउंडेशन सीड को जो है वो हम जानते हैं आधारीय बीज के नाम से। तो बीजों पे बात करते हैं कि बीज कैसे और किस तरह से ये निकाले जाते हैं, किस तरह से बीजों का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले बात की जाती है न्यूक्लियस सीड की, जो एक नंबर पर दे रखा है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड जो होता है वो किसी भी ब्रीडर के द्वारा ऐसी सीडों का या ऐसे प्रजातियों का चयन करते हैं जिसमें कुछ उम्मीद होती कि कुछ इसमें बेटर हो सकता है, कुछ बेटर क्रॉप्स होती हैं, या शंकर के द्वारा या उत्परिवर्तन के द्वारा या ढूंढ के लाते हैं, तो उसके द्वारा जो सीड निकालते हैं वो निकाला जाता है न्यूक्लियस सीड। तो न्यूक्लियस सीड यानी जो केंद्रक बीज होता है, ये पादप प्रजनक के द्वारा ही निकाला जाता है, और इसमें जो होती है 100% शुद्धता होती है, 100% जो होती है वो प्योरिटी होती है। और प्योरिटी दो तरह की होती है, एक भौतिक शुद्धता और एक अनुवांशिक शुद्धता, जिसको फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिकली प्योरिटी बोलते हैं। तो पहला तो होता है न्यूक्लियर सीड, जिसको कहते हैं केंद्रक बीज। उसके बाद में जो हमारा अगला बीज आता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड जो होता है, ब्रीडर सीड को हम लोग प्रजनक बीज के नाम से जाने जाते हैं। और ब्रीडर सीड की भी जो अनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता होती है वो भी 100% होती है, कहीं कहीं पे आपको 99.99 भी मिलेगा, अर्थात ये 100% शुद्ध होता है। क्योंकि न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड जो होता है वो ब्रीडर के द्वारा यानी पादप प्रजनन के द्वारा ही निकाला जाता है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई गलती वो लोग नहीं करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर का सीड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड को हिंदी में कहा जाता है आधारीय बीज। तो आधारीय बीज जो होता है, तो आधारीय बीज जो ब्रीडर के बाद जो ब्रीडर सीड है उसके बाद की जो संतति होगी उसको हम बोलते हैं आधारीय बीज, या जिसको फाउंडेशन सीड कहा जाता है। और ये कैसे निकाला जाता है, ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन या स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा इसको निकाला जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो इसमें जो भौतिक शुद्धता और अनुवांशिक शुद्धता होती है वो 98% तक होती है, जो 98% तक इसका मेजरमेंट किया जाता है। चौथे नंबर का जो सीड होता है, जिसको कहते हैं सर्टिफाइड सीड, या जिसको प्रमाणित सीड कहा जाता है, इसकी भी अनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता जो होती है वो 98% तक होती है। और 98% ये किसको दिया जाता है, ये किसानों को वितरित किया जाता है फसलों को उगाने के लिए। तो इस तरह से जो होता है वो इसका सीड को क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन में अगर एक बार बात की जाए, तो कभी कभी ये जो एक सीड होता है फाउंडेशन सीड के बाद एक नया सीड निकाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड सीड। एक होता है रजिस्टर्ड सीड, जिसको हम लोग पंजीकृत बीज के नाम से भी जाना जाता है, पंजीकृत बीज। लेकिन ये हमारे इंडिया में नहीं होता है, इसको हम लोग उत्पादित नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सीड से रिलेटेड इनके टैगों के बारे में, कि इनका जो टैग होता है किस रंग का होना चाहिए, और उस रंग के आधार पे हम लोग उन टैगों को पहचान लेते हैं। तो देखो, न्यूक्लियस सीड होता है ब्रीडर द्वारा होता है, कोई पैकिंग नहीं होती है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी टैग नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो टैग और पैकिंग होती है वो होती है ब्रीडर सीड की, क्योंकि ब्रीडर सीड जो होता है उसकी पैकिंग की जाती है, कहीं कहीं दूसरी जगह सीड को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो इसका जो टैग होता है वो होता है गोल्डन येलो,
कैसा होता है, गोल्डन येलो इसका टैग होता है। तो ब्रीडर सीड का जो होता है वो गोल्डन येलो होता है। फाउंडेशन सीड की बात की जाएगी तो फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का जो होता है वो फाउंडेशन सीड का होता है। और सर्टिफाइड जो हमारा बीज होता है जो हम लोग किसानों को देते हैं, तो सर्टिफाइड जो सीड होता है उसका जो टैग का रंग होता है वो होता है ब्लू कलर का, यानी नीले कलर का। जो हमारे यहाँ सीड नहीं होता जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड, और रजिस्टर्ड सीड का जो टैग होता है वो पर्पल कलर का होता है, यानी कि बैंगनी रंग का होता है। तो ये छोटी छोटी थोड़ी सी मोटी बातें थी जो समझना है। उसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और प्रश्नों को पूरा करेंगे। सारे जो आज की श्रृंखला में जो प्रश्नों का स्तर रखा गया है वो आपके ऑब्जेक्टिव, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आधार पर रखा गया है। तो ये आपका आज का टॉपिक रहेगा यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इसमें MCQ SS सीरीज 40 का रहेगा, 40 क्वेश्चन आज इसमें रहेंगे, उनको हम लोग अभी कवर करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये रहा पहला प्रश्न, तो पहले प्रश्न को हम लोग अच्छे से देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में ICR के पास ब्रीडर बीज उत्पादन इकाइयां हैं। तो ICR क्या होता है? ICR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में पूछा, न्यू दिल्ली में। तो ये कह रहा है कि ICR के पास जो ब्रीडर यानी कि जो प्रजनक बीज उत्पादन की इकाइयां हैं वो कितनी हैं। तो हमारे पास जो प्रजनक बीज की इकाइयां हैं वो हैं 54 प्रजनक बीज की इकाइयां हैं ICAR के पास, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पास। तो इसका प्रश्न संख्या एक का जो आंसर है वो 2 है, ऑप्शन नंबर V 54। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का आयोजन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का आयोजन किया गया था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ है उसका भी जल्द हाल में ही एक आयोजन किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था, कब किया गया था? तो उसका आयोजन जो किया गया था ऑप्शन ए में जाएंगे, 10 जुलाई 2024 को उसका आयोजन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3। प्रमाणीकरण, प्रश्न कह रहा है प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो किस बीज में सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी बीज होता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये किस कौन से ग्रुप का बीज है। तो उस कौन से बीज को सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है? तो सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती तो आपका सीधा है, आपका ब्रीडर सीड जो होता है उसको सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4। फाउंडेशन के लिए 95% की भौतिक शुद्धता अनुमेय एवं प्रमाणित है का बीज, जो फाउंडेशन सीड होता है जिसको फाउंडेशन को हम लोग आधारीय बीज बोलते हैं, उसमें भौतिक शुद्धता का अनुमेय प्रमाणित बीज कितना होना चाहिए, किसका होना चाहिए? तो किसमें होता है अनुमानित प्रमाणीकरण शुद्धता? तो वो हमारा होता है गाजर का, गाजर का। तो फाउंडेशन के लिए 95% भौतिक शुद्धता अनुमेय है, 95% तक भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, तो वो फसल है गाजर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मक्के में अनुमत संदूषण है, मक्के में अनुमत संदूषण है यानी मिक्सचर जो मार्जक है वो कितना तक हो सकता है मक्के में? तो मक्के में जो संदूषण की बात की जाएगी तो बहुत मिनिमम रहेगा 1%, मक्के में अनुमत संदूषण जो है 1% होता है। तो पांचवे का ऑप्शन ए रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, बीज की नमी फसल दर फसल भिन्न भिन्न होती है, बीज में जो नमी होती है वो कितनी होनी चाहिए? सीधा सा मतलब है बीज में जो नमी है वो कितने प्रतिशत होनी चाहिए?
तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जाएगा। ऑप्शन डी को आप लोग नोट करिए, 9 से 12% जो है नमी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नमी होगा तो हमारा जो सीड है वो हमारा सीड ख़राब हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। संकर बाजरे के उत्पादन में नर कतारों में मादा कतारों का अनुशंसित अनुपात होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि अगर हम संकर बाजरा यानी हाइब्रिड बाजरे के लिए बीज के लिए बाजरे का फसल लगाते हैं कि हमको इससे हाइब्रिड बाजरा मिले, तो उसमें नर और मादा कतारों का अंतर कितना होना चाहिए। तो नर की जो 2 कतारें और मादा की 4 कतारें होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जाएगा, नर की 2 कतारें और मादा की 4 कतारें होनी चाहिए। इस तरह से छोड़ छोड़ के हम लोग उसको बुआई करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसको हिंदी में हम लोग सत्यानाशी भी कहते हैं, का एक आपत्तिजनक खरपतवार है। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है किसका आपत्तिजनक खरपतवार है? तो आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है वो रैपसीड या जिसको सरसों, इसका आपत्तिजनक खरपतवार है। और आर्जिमोन मैक्सिकाना के बीज जो होते हैं वो सरसों के बीज के साथ मिक्स होके और तेल में उसका प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे कि वो नुकसानदायक होता है। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे हम लोग पीली कटेली के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। बीज प्रमाणीकरण करना किस लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ए उन्नत किस्म, ऑप्शन बी आनुवंशिक शुद्धता, सी शारीरिक शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो सीधी सी बात है, देखिए उन्नत किस्में भी हमको चाहिए हैं, इसलिए प्रमाणीकरण चाहिए कि उन्नत किस्म है। दूसरा आनुवंशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिकली प्योरिटी भी इसके अंदर हमको मेज़र करनी होती, फिजिकल प्योरिटी भी इसको अंदर मेज़र करनी होती कि कितनी टूट फूट है, कितना दाना ख़राब है, तो वो सारी चीज़ें। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जाएगा। बीज प्रमाणीकरण की आवश्यकता किसके अंतर्गत? तीनों के अंतर्गत होती है, यानी कि उन्नत किस्म, आनुवंशिक शुद्धता और शारीरिक शुद्धता। तो ऑप्शन हमारा डी जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। उन्नत बीज में शामिल है, जो उन्नत बीज है उसमें क्या क्या शामिल है उस पर बात करेंगे। तो उन्नत बीज में क्या क्या शामिल है? उन्नत बीज में नाभिकीय बीज, बी ब्रीडर बीज, आधारीय बीज, उपयुक्त सभी। तो उन्नत बीजों में उपयुक्त सभी ही आएगा, क्योंकि नाभिकीय बीज भी उन्नत में आता है, ब्रीडर भी आता है और फाउंडेशन भी आता है, तो उपयुक्त सभी। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय फसल सुधार संघ ICIA, इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन ने बीजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो कब बीजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बीजों को वर्गीकृत किया गया था 1946 में। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय फसल सुधार संघ है उसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन, और इसने कब किया ये कार्य? 1946 में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज कहलाता है। तो जैसे अभी आपको हमने दिखाया था डायग्राम के थ्रू, तो पहला बीज जो होता है वो नाभिकीय ही होता है। उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाभिकीय, नाभिकीय से क्या बनता है आपका? नाभिक के बाद आपका ब्रीडर बनेगा, ब्रीडर के बाद में आपका फाउंडेशन यानी आधार बनेगा, और उसके बाद आपका प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड बनेगा। तो उन्नत किस्म की प्रारंभिक जो है बीज वो है आपका नाभिकीय बीज। या कभी कभी ऐसे पूछा जाता है नाभिकीय बीज की संतति कौन है, तब आप ब्रीडर सीड लगाएंगे। या पूछा जाता है आधारीय बीज किसकी संतति है, तो आधारीय बीज अगर बात की जाए तो आधारीय बीज किसकी संतति निकलेगी? ब्रीडर की। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिम्नोस्पर्म में कोटाइलोडोन कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो कोटाइलोडोन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन सी मेगा गैमेटोफाइट उसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। 14 कह रहा, कपास में प्रजनन बीज के उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी, कपास का यदि हम उत्पादन कर रहे हैं किसके लिए, बीज के लिए, कि हमको इससे बीज प्राप्त करना और उसको फिर हमको चाहे वो सहकारी समितियाँ हों, गवर्नमेंट के एजेंसीज हों या फिर किसान हों, वो बीज उत्पादन के लिए अगर उनका बुआई करता है तो उसके लिए पृथक्करण दूरी क्या होती है, यानी आइसोलेशन। पृथक्करण दूरी को कहते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होगी इसके बारे में देखते हैं कि पृथक्करण दूरी क्या होगी कपास की। तो कपास की पृथक्करण दूरी पे अगर हम बात करते हैं, कपास की पृथक्करण दूरी होगी 50 मीटर। तो कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी की आवश्यकता होती है तो 50 मीटर। यानी न्यूक्लियस सीड के बाद अगर हम ब्रीडर सीड यूज करता है, कोई ब्रीडर सीड के तौर पे लगाता है कोई भी ब्रीडर, कोई भी प्रजनक, तो उसकी जो डिस्टेंस यानी अगली फसल जो कपास की, वो कम से कम 50 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, पंद्रह प्रश्न कह रहा है, बीज आवरण प्राप्त होता है, बीज आवरण किससे प्राप्त होता है। तो बीज आवरण जो प्राप्त होता है ऑप्शन ए पे जाएंगे, टेस्टा, टेस्टा जो है बीज आवरण से प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नए पौधों की किस्मों के संरक्षण हेतु संघ का मुख्यालय है, नए किस्मों के संरक्षण के लिए संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसमें ऑप्शन डी चले जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में जो है वो मुख्यालय नए पौधे की जो भी किस्में होती हैं उनके जीन्स वगैरह जो है वो संरक्षित करके रखे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, पहला निजी बीज किस वर्ष अस्तित्व में आया था, पहला निजी जो बीज था वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो वो आया था 1912 में, 1912 में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा, पहला जो निजी यानी किसी निजी कंपनी के द्वारा जो पहला बीज निकाला गया था वो 1912 में निकाला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, एक बीज पत्री में बीज पत्र कहलाते हैं, एक बीज पत्री में बीज पत्र कहलाते हैं। तो देखिए बीज जो होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं, दो बीज पत्री होते हैं, मोनोकोटाइलडेनस और डाइकोटाइलडेनस। तो एक बीज पत्री यानी कि मोनोकोटाइलडेनस के जो बीज पत्र कहलाते हैं वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, एंडोस्पर्म। वो क्या कहलाते हैं, एंडोस्पर्म कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, संकर बीजों को सरकारी एजेंसियों या सरकारी संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित किया जाता है, इन संकर को कहा जाता है। तो कोई भी हाइब्रिड जो निकाला जा रहा है वो चाहे किसी इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सार्वजनिक संकर होते हैं। क्योंकि ये जितने भी उपक्रम हैं ये कैसे हैं, सार्वजनिक हैं। विश्वविद्यालय क्या हो, सार्वजनिक है। तो किस प्रकार के संकर होंगे, किस तरह के हाइब्रिड होंगे, ये सारे जो होंगे सार्वजनिक संकर होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ICAR की ब्रीड बीज उत्पादन इकाइयां टन प्रजनन बीज का उत्पादन करती हैं। तो ये कह रहा है कि अभी हमने आपको बताया था ICAR की कितनी बीज उत्पादन इकाइयां हैं भारत में, तो वो आपको बताया था 54 बीज उत्पादन इकाइयां। तो कह रहा है कि इन बीज उत्पादन इकाइयों से कितने टन बीज का उत्पादन होता है, तो वो होता है 3,700 टन जो है बीज का उत्पादन होता है इन इकाइयों से, इतने टन प्रजनक बीज का उत्पादन होता है। कौन से बीजों का होगा, प्रजनक बीजों का यानी कि ब्रीडर सीड का उत्पादन होगा 54 इकाइयों के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, गेहूं में आधारीय बीज के उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी की आवश्यकता। यानी कि अगर आप गेहूं को आधारीय बीज के तौर पर, फाउंडेशन सीड के तौर पर उगाना चाहते हैं तो उसमें पृथक्करण की दूरी कितनी होनी चाहिए। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर।
तो गेहूं में पृथक्करण वो भी फाउंडेशन सीट के लिए, तो ये जाएगा 3 मीटर के लिए, ऑप्शन ये हमारा सही होगा, 3 मीटर फाउंडेशन सीट के लिए होना चाहिए। कौन सी फसल में? गेहूं की फसल में होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12 प्रश्न कह रहा है कुसकुटा एक आपत्तिजनक खरपतवार है, तो कुसकुटा किसका खरपतवार? तो खरपतवार है ये लूसर्न का, डी ऑप्शन डी का, ठीक है। तो कुसकुटा एक आपत्तिजनक खरपतवार है, लूसर्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, केंद्रक बीज की संतान कहलाती है, तो अभी हमने बताया केंद्रक बीज है, तो केंद्रक बीज के बाद कौन सा बीज बनता है ये कहना चाह रहा, केंद्रक बीज जो है उसके बाद कौन सा बीज बनता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी आपका ब्रीडर सीड बनना चाहिए, ब्रीडर सीड यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फूल वाले पौधे में दूसरा बीज आवरण कहलाता है, जो फूल वाले पौधे होते हैं उसका जो दूसरा बीज आवरण होता है, सेकंड जो कवर सीड कॉर्ड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दे रखे गए, इंटेगुमेंट, एल्यूरोन लेयर, टेगामेन, इनर वेंट्रल स्केल, तो फूल वाले पौधों में दूसरा बीज आवरण कहलाता है, वो ऑप्शन हमारा सी जाएगा, जिसको कहते हैं टेगामेन। टेगामेन जो है सेकंड लेयर होती है जो फूल वाले पौधों के बीजों पे पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है जड़ पदार्थ एवं दोषपूर्ण बीजों से मुक्ति, यानी कि जो अपमार्जक पदार्थ हैं या दोषपूर्ण बीज हैं उससे मुक्ति किस बेस पे मिलती है, किस तरह से मिलती है, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, तो वो आएगी आपकी शारीरिक शुद्धता, जिसको कहते हैं फिजिकल प्योरिटी। तो फिजिकल प्योरिटी यानी कि जो भी जड़ पदार्थ या दोषपूर्ण बीज, जो कटे फटे बीज हैं, वो आपको फिजिकल प्योरिटी के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 26 शुद्ध जीवित बीज PLS प्योर लाइव सीड किससे संबंधित है, जो शुद्ध जीवित बीज है वो किससे संबंधित है, कैसे आप इसको कंफर्म करेंगे, तो शारीरिक शुद्धता, जरूरी नहीं शारीरिक शुद्धता हो तो वो जीवित ही हो, नंबर दो अनुवांशिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता भी नहीं हो सकता, अंकुरण प्रतिशत, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण होगा तभी तो वो जीवित कन्फर्मेशन होगा, वो जीवित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 27 ब्रीडर बीज प्रतिशत शुद्ध होता है, ब्रीडर बीज कितने प्रतिशत तक शुद्ध होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी, ब्रीडर सीड जो होता है वो 100% शुद्ध होता है, 100% ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न उत्तर, ब्रीडर बीज को ही हम लोग प्रजनक बीज भी कहते हैं, हिंदी में इसको प्रजनक बीज कहेंगे और इंग्लिश में इसको ब्रीडर सीड कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 भिंडी में आधारीय बीज के उत्पादन के लिए, यानी भिंडी के आप फाउंडेशन सीड उत्पादित करना चाहते हैं, उसमें पृथक्करण यानी आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूरी होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे, तो इसके लिए होना चाहिए आपका 200 मीटर, तो 200 मीटर आंसर ये देखा ऑप्शन सी 200 मीटर, भिंडी के जो फाउंडेशन सीड है उसको उत्पादन करने के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होनी चाहिए वो 200 मीटर होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न ये, क्योंकि आइसोलेशन डिस्टेंस से कई प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न आपको इसमें से मिल जाएगा। सूरजमुखी में आधारीय बीज यानी फाउंडेशन के उत्पादन के लिए पृथक्करण यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस मीटर में आवश्यकता होती है, तो इसके मीटर में आवश्यकता होती है, तो सूरजमुखी की जो आइसोलेशन डिस्टेंस आधारीय यानी फाउंडेशन सीड की रहेगी वो 400 मीटर रहेगी, 400 मीटर ऑप्शन ए, सूरजमुखी में आधारीय बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी जो है वो 400 मीटर रहेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 30 ब्रीडर बीज किसकी संतति है, ब्रीडर बीज किससे बना होता है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं, तो वो बना होता है ऑप्शन सी आपका नाभिकीय बीज से, आपकी नाभिकीय बीज इसी को क्या कहते हैं न्यूक्लियर सीड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करेंगे, प्रश्न संख्या 31 पादप प्रजनकों के अधिकार कार्य कर रहे हैं,
पादप प्रजनों को जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो कहाँ कहाँ से कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन ए आपका जर्मनी, ऑप्शन बी आपका डेनमार्क, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी का है, ये सभी हो जाएगा, तीनों जगह पे ये कार्य कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 32, बीज का पहला प्रतीकात्मक महत्व यानी फाइमिन कमीशन। फाइमिन कमीशन का मतलब होता है अकाल कमीशन जो है, तो की रिपोर्ट आने के बाद हुआ था। तो ये कब हुआ था अकाल का जो मैटर बात की जाती है, पहला कमीशन निर्धारित हुआ था, कमीशन रिपोर्ट आई थी, तो वो है ऑप्शन ए 1891 में, 1881 में जो है वो रिपोर्ट आने के बाद इसका कार्य शुरू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यावसायिक दृष्टि से किसानों को किस पीढ़ी का वितरण हेतु बीज से तात्पर्य है। व्यवसाय दृष्टि में किसानों को किस पीढ़ी का बीज दिया जाता है, तो आपको हमने पहले ही बताया था किसानों को जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड सीड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणित बीज बोलते हैं। तो ये किसानों को वितरित किया जाता है, ये किसानों को दिया जाता है। और इसका टैग किस कलर का होता है, वो होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का इसका टैग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिर्च में बीज प्रमाणीकरण हेतु अंकुरण के मानक। मिर्च में देखिए कोई भी चीज़ें होती है, कई चीज़ें रहती हैं, जर्मिनेशन प्रतिशत होता है, फिजिकल प्योरिटी मैनेज की जाती है, जर्मिनेशन परसेंटेज मैनेज किया जाता है। तो इसमें ये अंकुरण यानी जर्मिनेशन पूछ रहा है। तो जो बीज प्रमाणित है, प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया हुई है, तो उसमें मिनिमम कितने प्रतिशत तक मिर्च का बीज जर्मिनेशन होना चाहिए, तो कितने प्रतिशत जर्मिनेशन होना चाहिए, तो 60% तक बीज जो है वो जमाव करना चाहिए, तभी वो आपका प्रमाणित होगा। तो ऑप्शन उसका डी हो जाएगा, मिर्च में बीज प्रमाणीकरण हेतु अंकुरण के मानक जो है वो 60% है। क्वेश्चन 35, चावल की रंगीन किस्मों में एलोरोन परत होती है। चावल की रंगीन किस्मों में एलोरोन परत होती है, तो एलोरोन परत पे बात की जाए तो थिनर, तो जो थिनर का मतलब हो जाएगा मोटा, थिकर, थिकर का मतलब पतली। तो जो चावल की रंगीन किस्में होती हैं उसमें जो परत होती है वो पतली परत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, बीज है, ये कहते हैं बीज क्या है, व्हाट यू मीन फॉर सीड, सीड क्या है। तो बीज के बारे में, बीज को आप ऑप्शन पढ़िए क्या क्या ऑप्शन दे रखे गए हैं। पहला ऑप्शन है अपरिपक्व भ्रूण, इनमेच्योर एम्ब्रियो, ये कह रहा है परिपक्व भ्रूण, मेच्योर भ्रूण, विकसित डेवलपमेंट भ्रूण, और ऑप्शन टी अविकसित भ्रूण। तो एम्ब्रियो देखिए सीधी सी बात, नया जन्म हो रहा है पौधे का किसी बीज से, तो जिस बीज में जनन करने, जन्म देने की क्षमता होगी तो वो कैसा हो जाएगा, वो परिपक्व भ्रूण कहलाएगा। परिपक्व होगा तभी तो जर्मिनेशन करेगा, परिपक्व भ्रूण होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, टीडीसी अस्तित्व में आया है, टीडीसी अस्तित्व में आया तो ऑप्शन डी 1969, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1967। क्वेश्चन नंबर 38, पहली निजी बीज कंपनी है यानी कि निजी क्षेत्र की पहली बीज कंपनी जो निजी क्षेत्र की रही हो। ऑप्शन है मॉन्सेंटो, नामधारी, सुट्टन एंड सन्स, टक्की। तो पहली निजी कंपनी जो थी वो सुट्टन एंड सन्स है, सुट्टन एंड सन्स ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39, फसल में भौतिक शुद्धता अनुमान्य है। फसल में भौतिक शुद्धता 98%, तो भौतिक शुद्धता 98% किस में होना चाहिए, चावल, 98% चावल में होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40, और आज का ये अंतिम प्रश्न, इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। मोटे चावल में आमतौर पर एलेरोन परत होती है। तो अभी हमने रंगीन चावल में बात की थी, तो रंगीन चावल में जो होती थी वो पतली होती है, और यहाँ पे मोटे चावल की बात हो रही, तो मोटे चावल में जो होगी लार्जर होगी, लार्जर, ठीक है, तो जो परत होगी वो लार्जर होगी यानी कि व्यापक होगी, व्यापक, तो व्यापक होती मोटे चावल। तो आज की श्रृंखला यहीं पे ख़त्म करते हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई होगी। इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ते रहिएगा और कॉपी पे लिख के इनको रिवीजन करते रहिएगा। आपके जो परीक्षा ओमआर सीट बेस्ड होगी उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।